ऐसी लगा नहीं नहीं सीधा कर दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرین مکرم سامعین برادران صالحین اسٹیج پر زینب افروز ماہرین اور اس پاکیزہ پروگرام کے مخلصین حضرات منتظمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر سال کی طرح اس سال بھی راجہ ایجوکیشن بہودیشی سوسائٹی اردو پرائمری شکیل احمد اردو ہائی اسکول اور کوثر جبین جونیئر کالج پیپلگاؤں راجہ کی جانب سے رسول اکرم کی پاک ذات پر سیرت کے مطابق تقریری اور نعت خوانی کے مقابلے لیے جاتے ہیں اور آج یہ دوسرا دن ہم آپ کی خدمت میں اس تقریر اور نعت خوانی کے مقابلے کو لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اکرم کے لیے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آئیے ہم اس پر رونق بزم کا ہمارے صدر محترم ہمارے صدر آج کے صدر وظیفہ یاب صدر مدرس جناب ممتاز خان صاحب کی اجازت لے کر باضابطہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں محترم عطا اللہ خان صاحب اور ہمارے ججز ہمارے تیسرے جج عبد الرحمان فارس صاحب کا بھی یہاں پر آ گئے ہیں، تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیجیے۔ عبد الرحمان فارس صاحب اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر مجسمہ گل تمام لفظ کی جان ہے جس کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں سپیدہ سحر کی خوابین آنکھوں سے لے کر سرخ شام کی بھوجن پر کو تک جس کے بابرکت ناموں کی تسبیحیں اور تلاوتیں ہوتی ہے چڑیوں کی چہچہاٹ سے لے کر آپ شاروں کی گنگناہٹ کر۔ تو آئیے ہم اور آپ بھی حریم دل کے خالی خانوں کو اس کار فرمائے حقیقی آگے جھکائے جس کی کرم فرمائیوں کے بغیر ہماری کوئی صحیح و جستجو کامیابی و کامرانی کی حدوں کو نہیں چھو سکتی۔ تلاوت کلام کے لیے میں آواز دیتا ہوں 12 کلاس سے امائمہ تسنیم شری شیرپال خان وہ آئے اور اس پر رونق بزم کو اپنے تلاوت قرآن سے مہکائے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو پھر میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ ہمائمہ تسنیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون रहमान और रहीम जल्ले जलाल हु अम्मा नवाल हु के बेमिसाल व लाजवाल कलाम पाक की तिलावत से बिलराबता इस तकरीब का आगाज हो गया है। तिलावत के पुरकैफ पुर जलाल माहौल में हम अपनी बंदगी और गुलामी का आजजाना इजहार करते हुए इसकी तारीफ व तौसीफ के चिराग रोशन कर ले कि जिसके कब्जे कुदरत में हर किसी की जान है, वहीं सबका मालिक हकीकी और खालिक व माबूद है, जिसकी ज़ात जलजलाल जलाल माफ पे हमद का नजराना पेश करने के लिए दरीचे जहन से ये मिसरे उभरते हैं। हर सांस तेरी मोहताज गरम, हर धड़कन तेरी दस्त नगर, हर नूर तेरा ही अक्स जमीन, हर जुल्मत शब है तेरा हुनर। मैं आवाज़ देता हूँ इफ्रा अरीब मोहम्मद नवैद को, वो आए और हमद का नजराना पेश करे। इफ्रा अरीब मोहम्मद नवैद हमदे सरा है सुम्बुलो रेहा अंजुम माहो महरे ताबा शम्ए शबिस्ता सुबह दरख्शा जिन हम तो सना फ़ख़्र सुल्तानी
जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस बज़्म का ये दूसरा दिन है, हमारे जो मुंसिफ हजरात है, जो जज हजरात हैं, कल जो हाजिर थे मोहतरम इकरार हुसैन आज़ाद साहब और रैदुर रहमान खान साहब, आज हमारे जो तीसरे जज हैं जो खामगांव से तशरीफ लाए हैं, इंतहाई ज़हीन, देखने में महीन, सरपरस्तों का यकीन, परवास में शाहीन, किताबों में नगीन, माशरे की जान, मुस्तकबल के निगहबान अब्दुल रहमान साहब, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ और मैं मोहम्मद अशफाक सर से इल्तिमास करता हूँ कि वो उनकी शाल और फूल देकर उनकी गुलपोशी की। अब्दुल रहमान साहब, मैं उन तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूं हमारे इस इदारे की तरफ से। तो आइए आप ज़ाते पाक का पाकीज़ा तज़किरा करें, जिसके जिक्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बुलंदी अदा की है कि जमीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, खाक के जर्रों से आफ्ताब की किरणों तक, सितारों की महफिल से महताब की रोशनी तक, इंसान और जिन्नात से लेकर हूरों मलाइक तक, किताब समाविया से लेकर वैदों ग्रंथों बल्कि तमाम मजहबों की किताबों तक, कलमा तैयबा से लेकर अजानों तक, नवाफिल से लेकर फराइज तक, दुरूदों से लेकर सलामों तक, गर्द हर शय में अल्लाह ताला ने आपके जिक्र को आया रखा है। तो आइए हम इस बज़्म की शुरुआत करते हैं शकील अहमद खान के गुलदस्ते के उस फूल से जो फर्स्ट क्लास में है, पहली क्लास में है, मोहम्मद रजा तौसीफ शेख। मोहम्मद रजा तौसीफ शेख हमारे गुलदस्ते के पहले फूल आज इस बस में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने इतना पेश करना चाह रहा हूँ, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, इश्क मिलाकर कलाम इलाही दिया, इश्क मिलाकर कलाम इलाही दिया, मदीने में मौजूद है, फूल खिलते हैं पर्पल के सन्ने अला, फूल खिलते हैं पर्पल के सन्ने अला, झूम पर के दही है ये बाद सदा, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, मिलाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक खूबसूरत आवाज में रजा तौसीफ शेख ने बहुत खूबसूरत नाच सुनाई। इसके बाद मैं इस गुलशन के दूसरे फूल, खूबसूरत फूल को आवाज दूंगा जो दूसरी क्लास में है, इकराम फातिमा मोहम्मद जावेद। इकराम फातिमा मोहम्मद जावेद वो आए, माफ कीजिए, फर्स्ट क्लास में है, इकरा जावेद मोहम्मद, इकराम फातिमा मोहम्मद जावेद आए और अपनी नाच पेश करी। अस
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपके सामने एक नात पेश करना चाहती हूँ। मेरी बाती बन गए हैं, मेरी बाती बन गए हैं, तेरी बाती करते करते सलाला, तेरी बाती करते करते तेरे शहर मैं आऊं, तेरे शहर मैं आऊं, तेरी बाती करते करते सलाला, तेरी बाती करते करते किसी चीज की तलब है मैं आरज़ू भी कोई, मैं आरज़ू भी कोई किसी चीज की तलब है मैं आरज़ू भी कोई। ये जमाना हो गया, ये जमाना हो सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं गुलशन के तीसरे फोर को आवाज देता हूँ, उमामा अरबिया आरिफरम जो सेकंड क्लास में है, उमामा अरबिया आरिफरम वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उमामा अरबिया आरिफरम आज की इस पुरबार बावकार महफिल में मेरी तकरीर का उनवान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी अल्लाह के आखिरी रसूल है। अरब एक शहर मक्का में पी के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु और वालिदा का नाम हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। आपका मर्तबा तमाम मखलूक में सबसे आला है, आप तमाम नबियों के सरदार है। अल्लाह ताला ने हजरत हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाज़िल फरमाए। अस्सलाम। माशाल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ पहली क्लास से सैयद सुफियान सैयद आरिफ, वो आए और अपनी नात पेश करें। सैयद सुफियान सैयद आरिफ। सैयद नासिफ सब्जी वाले इनकी तरफ मोहम्मद रजा को 100 रुपये का इनाम आया।
मैं तुम्हारे साथ एक बात पेश करना चाहता हूँ। हमने आपको से देखा नहीं है मगर हमने आपको से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कला में इलाही दिया जिसने लाकर कला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलता है पल पल के सल्ले अला फूल खिलता है पल पल के सल्ले अला झूम कर के रही है बादे सबा ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं ऐसा मंजर जमाने जैसा मंजर मदीने में मौजूद है जिसने लाकर कला में इलाही दिया जिसने लाकर कला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना क्या जन्नत बहुत ऐसी हमने माना क्या जन्नत बहुत है हदी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहे यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यार जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। अस्सलाम सुभान अल्लाह अल्लाह करे हम सबको मदीने की ज़ियारत हो। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ पहली जमात से अब्दुल साजिद अब्दुल फहीम वो आए और अपनी नात पेश करें। अब्दुल साजिद अब्दुल फहीम पहली क्लास या रब्बे मुस्तफा तुझे हज पे बुला ताकि मैं देखूं आँख से काबा तेरा हज का शर्क फिरता। या रब्बे मुस्तफा मुझको मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफा या रब्बे मुस्तफा या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला ताकि मैं देखूं आपसे काबा तेरा हज का शर्क फिरता। या रब्बे मुस्तफा मुझको मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफा या रब्बे मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ चौथी क्लास से उमर फारूक इसरार इनामदार उमर फारूक इसरार इनामदार वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उमर फारूक इसरार इनामदार माफ कीजिए हर उम्मत जो देखोगे जमाना भर
जमाना भी ले जाओगे, अगर तेरा जाओगे तो आना भूल जाओगे, नहीं किराओ ज्यादा चार तारों अपनी रंगत पर, नहीं किराओ ज्यादा चार तारों अपनी रंगत पर, अगर मेरे आकाश देखोगे चमक सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं इस बज़्म शकील गुलदस्ते शकील से अगले फूल एक मासूम फूल इज़्ना नाज मोहम्मद जर्रार पांचवी क्लास इज़्ना नाज मोहम्मद जर्रार इनको आवाज देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। इज़्ना नाज मोहम्मद जर्रार लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, इब्तदाई शान मोहम्मद इब्तदाई कायनात से पहले अभी मक्कियों का मकान नहीं बने, ये दोनों जहां नहीं बने, और अहले सबा देखते हैं कि जन्नत के माथे पर मोहम्मद का नाम चमक रहा है, विलादत मोहम्मद बाला रबिल अव्वल सुबह सादिक कायनात में जरूर चमका के सितारे झुक गए बुत गिर गए, इधर अब्दुल मुत्तलिब हैरान है, इधर शाह ईरान परेशान है, के महल के चादर भी जमीन बहस हो गई, सदियों से जलता आतिश कदा बुझ गया, निशाने देख कर अल्लाह की किताबों के आलम पुकार उठे, क्या गए वो शाह ममलिक की सल्तनत मशरिक व मगरिब तक फैली थी, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कर्म पढ़कर मुसलमान हो गए, या अल्लाह मुकाम था सरवरे कौनैन का, दे कहीं मुजम्मिल तो कहीं मुदस्सिर तो कहीं सिराज मुनीर का, ए मेरे नबी अपनी उम्मत को बता दीजिए क्या अगर खुदा की मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, सुभान अल्लाह। मैं उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं, मैं उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं कि जिसके अताब के बगैर मेरा ईमान ना मुकम्मल है, अरबाब नजर को होगा एहसान मिलेगा, अरबाब नजर को होगा एहसान मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे अब कह न मिलेगा, तारीख अगर ढूंढे सानी मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। शुक्रिया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह ने जो तकरीर पेश की मुझे नवाब देवबंदी के चंद मिसरे याद आए कि अश्कों से दामन को भिगोना अच्छा लगता है, अश्कों से दामन को भिगोना अच्छा लगता है, याद नबी में टूट के रोना अच्छा लगता है, और सारे जहां पर जिसकी हुकूमत उसका ये आलम, सारे जहां पर जिसकी हुकूमत उसका ये आलम, हाथ का तकिया हाथ बिछोना अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ पहली जमात से मोहम्मद एहरार मोहम्मद अबरार। मैं इसके बाद पांचवी क्लास से आफरीन नाज अब्दुल करीम को आवाज देता हूं कि वो आए और अपनी नात पेश करें। आफरीन नाज अब्दुल करीम। अस्सलाम वालेकुम। तैबा वाले आका मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसको हाल सुनाऊं, मैं किसको हाल सुनाऊं, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, मैं बोला मैं मुस्तफा
सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं बागीचे शकील से आवाज देता हूँ सेकंड क्लास अनाया मसरूर मोहम्मद मुबीनुद्दीन। अनाया मसरूर मोहम्मद मुबीनुद्दीन वाय और अपनी नात पेश करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ पहली जमात से मोहम्मद एहरार मोहम्मद अबरार। मोहम्मद एहरार मोहम्मद अबरार। सोहिल अहमद खान की तरफ से इज़ना नाज को 50 रुपये का इनाम और अनस की तरफ से अनाया को 50 रुपये का इनाम। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ शेख आमिर शेख अनवर क्लास थर्ड। शेख आमिर शेख अनवर वो आए और अपनी तकरीर पेश की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तकरीर अंग्रेजी ज़बान में होगी। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ अलाउड 18 मक्का। द नेम इज फादर वाज अब्दुल्लाह एंड द नेम इज मदर वाज आमिना। After the death of his father and the name his mother, I heard it when me only 6 years old. Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the name his mother Muhammad sallallahu alaihi wasallam was brought up by grandfather Abdul Muttalib and the later on by his uncle Abu Talib from the very childhood Muhammad sallallahu alaihi wasallam serious minded. And the valley often used to think about very thing which he was one of the greatest names in the world. MashaAllah, SubhanAllah. आप लोग इस बात पर गौर की थी
के मासूम फूल मासूम बच्चे बगैर किसी कागज के अपने तकरीर को जहनशीन करके याद कर रहे हैं, जहन में रखकर याद कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। काबिल मुबारकबाद है वो उस्ताद जिन्होंने इन बच्चों पर बहुत मेहनत की, और काबिल मुबारकबाद है वो इदारा जहाँ पर इस तरह के बच्चे मौजूद हैं। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ थर्ड क्लास से अरहान खान शोएब अहमद खान, अरहान खान शोएब अहमद खान वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अरहान खान शोएब अहमद खान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाबे सदर, असातिज़े इकराम और बड़े साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाति ग्रामी हलियात से मरतब मुनव्वर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन इंसानियत के सबसे बड़े खैर पावन कर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मुकम्मल जाब्ते हैं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे, हर एक से खुश दिली से मिलते थे, हर एक की बात गौर से सुन के नरमी से बातचीत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे, दुश्मन सिर्फ उनका अखलाक देख कर उनके गुदगुदा हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद भी अहमद भी थे। इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो अजीम हस्ती है जिससे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी और की तारीफ नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों का बहुत दर्द था, किसी जाति को कोई नुकसान न था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख होता और आप उसकी दिलजोई करते। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत है कुरान की, अल्लाह के नजरों में वो इंसान चमकता है। अस्सलाम वालेकुम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, रहमान बहुत अच्छे। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ शेख जारिया मोहम्मद आसिफ, शेख जारिया मोहम्मद आसिफ जो दूसरी क्लास से है, ये आए और अपनी नात पेश करें। शेख जारिया मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। आतेरा फिरदौस मोहम्मद इरफान को आवाज देता हूं कि वो आए और नात पेश करें। आतेरा फिरदौस मोहम्मद इरफान। वासिफ नियाज की तरफ से अरहान खान को 50 रुपए और मोहम्मद इसरार साहब की तरफ से सभी बच्चों को 200 रुपए का इनाम आया। मा पी कल भी गैर
सुभानअल्लाह, आप लोग थोड़ी सी खामोशी बनाए रखिए, हमारे ये जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई से ऐसा हो सकता है कि कल के इकबाल या बिल्किस बानो बन सकते हैं, तो आप थोड़ी सी हौसला अफजाई कीजिए और खामोशी बनाए रखिए। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ पाँचवीं क्लास से बरीरा अहमद अख्तर अली खान। बरीरा अहमद अख्तर अली खान वो आए और अपनी नात पेश करें। बरीरा अहमद अख्तर, तकरीर है, माफ कीजिए, तकरीर पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد نصلي على رسوله الكريم أما بعد جناب ساتھی بہت ہے ساتھی زکا اور میرے پیارے عزیز ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبخشائی کرنے کا موقع دیا گیا وہ میرے دو جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے سرمایا ہے آتا ہے سیرت رسول کی سرمایا ہے آتا ہے سیرت رسول کی فلاح ہے کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کا اپنے سہراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی جناب صدر اس کائنات پہ سرور کائنات خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب درخشا کی ہے جو گاری راہ سے دور ہوا اور پوری کائنات بچا گیا نبی کریم آگے کائنات کی عظیم و ترین شخصیت ہے جس کی نہ سیرت ہے نہیں آپ انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے آپ بنی ہیں انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے میرے نبی وہ شخص تھے جس کی امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی اور ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ ہمیں سعادت دن مانگے مل گئی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے مبارک ہو اس نبی کی امت میں سے ہو جس سے خالق کے دو جہان کو بھی ناز ہے جناب صدر میرے آقا تو بادشاہ میں فقیری کرتے تھے جس کے پاس تو سونا تھا نہ چاندی تھی میرے سرکار تو ڈوری چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے میرے نبی کی نگاہ میں بجلی عالم پر تبسم چہرے پر نور تھا میرے سرکار تو سادے لباس میں بھی شان نظر آتے تھے آپ کی طبیعت میں نرمی و عاجزی شخصیت وقار تھا آپ اندھیری تاریخ میں بھی سورج بن کر چمکتے تھے آپ کی سیرت بے مثال تھی اس نے باق جمال تھا کردار ایسے دیکھ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر جناب صدر میرے نبی تو امن محبت کا پیغام تھے آپ اندھیری تاریخ میں بھی روشن چراغ بن کر آئے گناہگار بستی کی سلامتی بن کر آئے میرے نبی وہ شخص تھے جن کے دم سے آج دنیا کے کونے کونے میں اجالا پھیلا حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا سوتے ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پر نور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا جناب صدر اگر میں جناب صدر جنت سیرت نبوی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے میرے نبی کریم مکہ کے ظالم کفار کے نشانے پر تھے مگر ارادے بلند تھے حوصلے شیطان کی طرف اور یقین خدا پر تھا ارادے جن کے پختہ ہو نظر ان کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر ان کی خدا پر ہو تلا تم خیز و طوفا سے وہ گھبرایا نہیں کرتے جناب صدر اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں تو سورج ڈھل جائے گا دن ختم ہو جائے گا مگر یہ موضوع اپنے اختتام پر نہیں پہنچے گا پورا تو بنائے کہ نور مجسم پورا تو بنائے کہ نور مجسم سیرت کی گواہی میں دے قرآن مبین ہے آیت الہی اس بات پر شاہد اس جیسے یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے وما علینا الا البلاغ المبین شکریہ سبحان اللہ حضور کی بادشاہی تو آپ سب جانتے ہیں لیکن ایک شاعر نے لکھا ہے کہ جس کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر وہ خود چوکی روٹی کھانے والے ہیں تو میں اسی شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں نیہا پروین عبدالعلیم تھرڈ کلاس سے نیہا پروین عبدالعلیم وہ آئے اور اپنی نعت پیش کریں وقوف ہے آٹو والوں کی طرف سے ارحان کو 50 روپے سہیل احمد خان کی طرف سے بریرہ کو 50 روپے روح الامین کی طرف سے بریرہ کو 100 روپے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چمیلی
सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं तीसरी जमात से आवाज देता हूँ, मारिया फिरदौस अब्दुल कलीम। मारिया फिरदौस अब्दुल कलीम। जुबैर भाई जहां पर भी है वो यहां पर राहिल भाई के पास आ जाएगा। जुबैर भाई, इसके बाद मैं चौथी क्लास से अलसदा अशमल सरफराज खान, अलसदा अशमल सरफराज खान, इनको आवाज देता हूं कि वो आए और अपनी नाक पेश करें। या रब्बे मुस्तफा तुम मुझे हज पर बुलाना गया कर मैं भी देखूं आप से काबा तेरा। या रब्बे मुस्तफा तुम मुझे हज पर बुलाना गया के मैं भी देख लूं आप से काबा तेरा। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं चौथी क्लास से अशफिया फातिमा नई मुल्ला खान, अशफिया फातिमा नई मुल्ला खान। इसके बाद मैं हमारे स्कूल के मेंबर जमील अहमद खान और सैयद हादी रमजान, इनका इस्तकबाल करता हूँ आज की इस बस में। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ पांचवी जमात से शिफा कौसर सैयद फयाज, शिफा कौसर सैयद फयाज, वो आए और अपनी नाद पेश करें। पांचवी जमात शिफा कौसर सैयद फयाज। वसीम भाई की तरफ से बरीरा को 50 रुपये का इनाम, यूनुस की तरफ से 200 रुपये का इनाम आया है बरीरा के लिए। आप तमाम की मोहब्बतों के हम शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो जिसके लिए महफिल कौने न सजी है, फिरदौस से बनी जिसके वसी से बनी नजर सारे जमाने की
अल्हम्दुलिल्लाह मैं असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को खामोश कीजिए और हमारे वॉलेंटियर्स जो आने वाले बाहर के मेहमान हैं इन्हें इज्जत और इकराम मोहब्बत के साथ अंदर लेकर आए। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ माविया खान मुस्तकीम खान पांचवी क्लास माविया खान मुस्तकीम खान वो आए और अपनी नात पेश की। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ पांचवी क्लास से खदीजा मोहम्मद जर्रार वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मैं किसी रत्न की क्या बात करूं? वो नबियों में रहमत लगा पा
जनाब सदर, दुनिया वाले आज किसी की ज्यादत बर्दाश्त करते हैं तो किसी की खूबसूरती की बात करते हैं तो किसी के एहसान बर्दाश्त करते हैं तो किसी की सखावत की बात करते हैं, तो मैं अपने आप ही बर्दाश्त क्यों ना करूं जिसके अंदर ये सारी खूबसूरतियां पाई जाती है। जिंदगियां फिर कई कलम टूट गए, जिंदगियां फिर कई कलम टूट गए तेरे औसाफ का एक बाप फिर पूरा ना हो सका। जनाब सदर, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए, मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आजम बन गए, मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए, मेरे नबी के अंदर शजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगी अब बीत गई कलम टूट गए, जिंदगी अब बीत गई कलम टूट गए तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, आज दुनिया वाले किसी की आज दुनिया वाले जिसके दिल में नबी से मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है, फासिक तो हो सकता है, मगर ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। आज इश्क़ रसूल से आज इश्क़ रसूल के बड़े बड़े दावा करने वाले गुस्ताख रसूल के साथ गद नजर थे। जनाब सदर मेरे नबी से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि बड़ा सा चिरागा कर लो या झूम झूम कर नाते पढ़ लो या बड़ी बड़ी से तकबीरें कर लो। मेरे नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी खाने पीने सोने उठने बैठने में मेरे नबी की पैरवी कर लो। जनाब सदर, कुछ वक्त की किल्लत है मजबूर की तवालत है, कुछ वक्त की किल्लत है मजबूर की तवालत है, कुछ कहने की कसरत है हुर्फ की हसरत है, कुछ कह भी नहीं सकती वो चुप रह भी नहीं सकती। जनाब सदर, इब्तिदा भी वही इख्तिताम, मेरे नबी पर दुरूद अरबों दुरूद खरबों सलाम, आपकी समातों का शुक्रिया। सुभान अल्लाह। बच्ची ने पुरजोश अंदाज में तकरीर पेश की। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ दूसरी क्लास से मोहम्मद अबू बकर मोहम्मद मुजाहिद। सैयद हादी चंदर साहब की तरफ से सभी बच्चों को 1100 रुपये का इनाम आया है और अख्तरुल्ला खान की तरफ से सभी बच्चों को 200 रुपये का इनाम आया। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ दूसरी क्लास से हम्माद उमर मोहम्मद जावेद हयात वो आए और अपनी नात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हम आपके सामने नात पेश करना चाहते हैं। या मन सल्लै कुल्लिन नबिया या मन फी कल्बि करामतुल नार Ya Habibi, Ya Shafi'i, Ya Rasul Allah, Vimbi Wahabi, Fajitika Sayyidi, Salatu wa Salam, Alayka Ya Nabi, Habibi Ya Muhammad, Atayta Bissalam wal Quran Muhammad, Ya Man Sallayka Bikullin Nambiya, يا من في قلبي كرامة للناس يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بيمبي وهبي فجئتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والكرامة تسلم. सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं इस गुलशन शकील से एक और फूल को आवाज दूंगा जिसका नाम है महरोज सबा शेख करीम थर्ड क्लास वाय और अपनी नाम पेश करें। महरोज सबा शेख करीम। जनाबे सर, मौजूद हजरात और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक नात पेश करना चाहती हूँ। क्या चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनके
तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखो कोई है अभी नजरे तैबा के नजारों में आ तुझको बता दूं के जन्नत किसे कहते हैं आप दर्द के मारों में क्या जान में खोए हो उलझे हो सितारों में। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं चौथी क्लास से आवाज देता हूँ मुनीजा तस्नीम आतिफ अहमद खान। मुनीजा तस्नीम आतिफ अहमद खान वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मुनीजा तस्नीम। Respected teachers and my friends, Assalamualaikum. Today the topic of my speech is Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The life of Holy Prophet is a role model for every person of this world who believe in Allah and the Day of Judgment. This source of light and guidance as the Prophet can lead us completely. The world has seen a lot of scholars, philosophers, but not as the seen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His messages are every proud of guide. His messages are every proud of guide, story to guide His messages are every proud of story to guide the native. Ata dekhi, to rab ki dekhi. Varna kaun deta hai mehboob. Subhanallah. Iske baad main awaaz deta hoon. Third class se Mohammad Uzair Mohammad Taufeeq. Mohammad Uzair Mohammad Taufeeq wo aaye aur apni taqreer pesh kare. Mohammad Uzair मोहम्मद तौफीक। रिस्पेक्टेड पर्सन एंड स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लाइफ द होली प्रॉफेट इज अ रोल मॉडल फॉर एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड डे ऑफ जजमेंट दिस ऑफ लाइट एंड प्रॉफेट के Completely the word as I allow scholars as the Prophet Muhammad in prayer of history to the Allah prayer of Hazrat Muhammad is Rabbul Awwal for the Prophet friend are so option but to friend teachers and the Quran as the Prophet Assalamu alaikum. Subhanallah. Bachche ne English mein taqreer pesh ki. Iske baad main awaaz deta hoon थर्ड क्लास से मारिया एमन बख्तियार खान। मारिया एमन बख्तियार खान वो आए और अपनी नात पेश करें। मारिया एमन। अस्सलाम वालेकुम हज़बी अब्बी जल्लल्ला फी कल्बी गल्ला Amen.
सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ चौथी क्लास के हमारे मासूम मोहम्मद अरीब मोहम्मद जैनुद्दीन, मोहम्मद अरीब मोहम्मद जैनुद्दीन। मैं जैन सर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दो रोज़ हमको दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक नाच पेश करना चाहता हूँ। भारत में सर को झुकाए शजर, एक इशारे से हो जाए टुकड़े कमर, सैयदुल अंबिया शाह जिन्ना बशर, अल्लाह अल्लाह ये पाप मौजदा मुस्तफा, जिसको रब ने बनाया सबसे हसी, जिस पे नाज़िल हुआ है कलामे मुबीन, जिसको दुश्मन के तेरा दिक आमी, कौन है वो मेरे मुस्तफा के सिवा, मुस्तफा, जिस घड़ी भूल जाएंगे बच्चों को माँ, जिस घड़ी बाप भी होंगे रहने रहा, जिस घड़ी नफ़्सल से कहो आसमा, उस घड़ियों का बस आपका आसरा, मुस्तफा 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 मुस्तफा, बाहर ताले सर को झुकाए जल, एक इशारे से हो जाए टुकड़े कमल, सैयदुल अंबिया शाह जिन्ना बशर, अल्लाह अल्लाह ये आपका मौजदा, मुस्तफा सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ फोर्थ क्लास से सैफ अम्मार मोहम्मद इमरान, सैफ अम्मार मोहम्मद इमरान वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। सैफ अम्मार मोहम्मद इमरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم حضرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے، اس نیلے آسمان کے تارے آج بھی دنیا کی سطح پر وہاں دیکھ رہے ہیں۔ پیارے ساتھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہے، میرے پیارے نبی کا کردار سراپا اخلاق ہے، رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آج گوش اسلام ہیں۔ حضرت پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے پیغام کا سلسلہ غار حرا سے شروع ہوا، جو نبی کریم کے انسان تک جائے گا اور وہی پیغام رہتی دنیا تک۔ اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر فرض ہے دوسروں تک پہنچائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں چوتھی کلاس سے خالدہ پروین چاند خان، خالدہ پروین چاند خان وہ آئے اور اپنی نعت پیش کرے۔ خالدہ پروین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ، میں آپ کے سامنے نعت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما في قلبي غير الله،
इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ जैद खान अंसार खान, जैद खान अंसार खान वो आए और अपनी तकरीर पेश करें, नाम पेश तेरे सत्य के मैं आका हर रहा को दीन मिला दे दीनों में कलम पड़ा ला किला था इल्लल्ला। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ फरियाल हुज़ैफ़ा मोहम्मद अशफाक, पहली क्लास फरियाल हुज़ैफ़ा मोहम्मद अशफाक। मैं आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और हमारे वॉलंटियर्स से कहता हूँ कि उन्हें मोहब्बत और शफ़क़त के साथ बैठाएं और पानी पेश कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں जलवे तेरे उस वक्त पीते कम भी नहीं थे, जलवे तेरे उस वक्त पीते कम भी नहीं थे, ये जबकि ये बातें क्या कब्र सलाम भी नहीं थे, किस शान से अल्लाह नुकारे है मोहम्मद, हर बार में हर शख्स को प्यारे है मोहम्मद। Our respected principal teachers and our my dear friends, Assalamu alaikum. My school name is Raja Education Hindu Primary School. My name is Faryal Zefa. I am first standard. Assalamu alaikum. Today the topic my speech is where the flower Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam in Miladul Nabi is the great festival for our first week landed in Miladul Nabi. Every year on 12th Rabiul Awwal, our Lord Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on this day. This is the day of blessing of Allah Almighty. Milad is an important part of this holy month. Many religious functions are organized on 12th Rabiul Awwal to celebrate Miladul Nabi. May Allah guide us to follow the teachings of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janab और मेरे प्यारे हमदर्द साथियों, मैं ये कहकर मेरी जगह लेती हूँ कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे इसकी मदद सलाई किस तरह हो। थैंक यू। सुभान अल्लाह, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों की जहानत, मुबारकबाद है वो वालदैन जिनकी तरबियत। और मैं कहूँगा कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है सलीके से तराशा जाए। बेहतरीन तकरीर बच्ची थी और इस पर बेहतरीन मेहनत हुआ काबिले मुबारकबाद है। मैं आपको बता दूं कि बच्ची पहली क्लास में है और उसकी जहानत, उसने दोनों जुबान में तकरीर की है,
तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि एक बार जोरदार उसका बच्ची का इस्तकबाल किया जाए और काफी मुबारकबाद है वो वालदैन जिनकी ये तरबियत है और तमाम बच्चे जिन्होंने याद करके अपनी तकरीर को सुनाया, नातों को याद करके सुनाया, काबिले मुबारकबाद है वो उस्ताद और काबिले मुबारकबाद है वो इदारा। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ रीना फातिमा आसिफ खान, चौथी क्लास से रीना फातिमा आसिफ खान वो आए और अपनी नात पेश करें। रीना फातिमा आसिफ खान बेटे सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ चौथी क्लास से जोहा इरम मुंतजिर खान, जोहा इरम मुंतजिर खान वाए और अपनी नात पेश करें। जोहा इरम भूल जाओगे तो आना भूल
इस प्रोग्राम के सदर जनाब मुमताज खान साहब की तरफ से सभी बच्चों को 1100 रुपए का इनाम आया है। मुजाहिद साहब की तरफ से सभी बच्चों को 200 रुपए का इनाम आया है। वसीम भाई की तरफ से फरियाल को 50 रुपए का इनाम, अब्दुल वाजिद साहब की तरफ से फरियाल को 100 रुपए का इनाम, रूहुल अमीन साहब की तरफ से फरियाल को 50 रुपए का इनाम। शुरू। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत दे। इसके बाद मैं नाम के लिए आवाज देता हूँ, अलीजा फिरदौस मोहम्मद आसिफ, चौथी क्लास से। अलीजा फिरदौस मोहम्मद आसिफ वो आए और अपनी नाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक नाम पेश करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। जमी मेरी नहीं होती, जमन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता, मोहब्बत कम वो जज्बा है, सुना लोगो ये जिस मन में समा जाए वो मन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता, मोहब्बत कम वाले से वो जज्बा है, सुना लोगो जो जिस मन में समा जाए वो मन मेरा नहीं होता, नबी की नात सुन ले तो चमन मैं एक बात बता दूं कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन्हें फख्र है कि अहसान बिन साबित की सुन्नत अदा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को फख्र है कि आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जब अहसान बिन साबित, जिन्हें शायर रसूल कहा जाता था, जब वो नात पढ़ते थे तो हमारे नबी उनको अपना मिंबर अता कर दिया करते थे। मतलब ये है कि पढ़ने से ज्यादा जो आप सुन रहे हैं वो सुन्नत रसूल है। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस वक्त तक खामोशी बनाए रखिए, उनकी हिम्मत अफजाई उनको बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है, कुछ वक्त की हिम्मत अफजाई उनकी। इसलिए मैं तमाम जितने भी हमारे सामाईन हैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो
खामोशी बनाए रखे, इतने भी खामोशी ना हो कि हक अदा ना हो और इतने भी बदतमीजी ना हो कि हम कुछ गलत कर जाए, इसलिए बेअदबी ना हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगला नाम मैं पेश करूंगा, फातिमा बी सैयद नकीम। फातिमा बी सैयद नकीम फिफ्थ क्लास से वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। फातिमा बी सैयद नकीम। जनाबे सदर और काबिले एहतराम साथियों, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज इस मौजू पे अपनी तकरीर करना चाहती हूँ, वो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। वो 571 हिजरी में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। मक्का का पुराना नाम मक्का था। इनके वालिद अब्दुल्ला इनकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। इनकी परवरिश इनके वालिदा आमिना ने की। फिर इनकी परवरिश इनके प्यारे दादा अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब ने की, जो कि कुरैश के सरदार थे। लेकिन जब 8 साल बाद इनकी वफात हुई तो इनके चाचा अबू तालिब ने इनकी देखभाल की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान की जात थे, वो लोगों के प्यारे थे। आपका लड़का नौजवान बहुत पाकीज़े थे, बहुत पाकीज़े परहेज़गार थी। इब्तेदा लोग उन्हें सादिक सच्चा अहमद ईमानदार कहते थे। इब्तेदाई जिंदगी से ही सच्चाई और ईमानदारी की अलामत बनते, वो दूसरों के लिए एक बेहतरीन मिसाल थे। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ नाज के लिए, तरन्नुम नाज सैयद सलीम। तरन्नुम नाज सैयद सलीम पांचवी क्लास से के वाए और अपनी नाज पेश करें। तरन्नुम नाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का खुदा के बात जो है इसके बाद मैं आवाज देता हूँ लाइबा फिरदौस हकीक खान पांचवी क्लास से। लाइबा फिरदौस हकीक खान वाए और अपनी नाम पेश करें। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो जमात से मोहम्मद अबू सुफियान मोहम्मद अयाज वो आए और अपनी नात पेश करें। मोहम्मद अबू सुफियान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही
कत्ल करने चले थे नबी को पास पहुंचे तो ही अर्ज रो करे मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे मेरी आंखें तरसती है या रब मुझको बागे मदीना दिखा दे प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे तन पे मैं एक बात और बता दूं कि जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए वो इस प्रोग्राम को ऑनलाइन भी देख सकते हैं जिन तक लिंक पहुंची है तो वो लिंक ओपन कीजिए और जिन तक लिंक नहीं पहुंची उनको सिर्फ मिसबा खान ये टाइप करना है यूट्यूब पर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें उसके बाद मैं आवाज देता हूँ तकरीम कौसर तौकीरुल्लाह खान तकरीम कौसर तौकीरुल्लाह खान सिक्स क्लास वो आए और अपनी तकरीर पेश करें जनाबे सर मौजी साहब और मेरे हम मकतब साथी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जमीन से आसमां की तरफ परवाज करती हूँ जमीन से आसमां की तरफ परवाज करती हूँ खुदा का नाम लेकर इस दिन का आगाज करती हूँ कुरान मजीद में जिनकी शान खुद खुद बयान कर रहे बंदे उसकी वजह से किस तरह होगी आज मुझे जिस मौके पर लख खुशाई करने का मौका मिला उसको अरमान है सीरत नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना तर्जमा यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए 124,000 नबी भेजे और ये सिलसिला हजरत आदम अलैहि सलाम से शुरू हुआ और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ हर नबी की जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी है अब कयामत तक के उनकी मुबारक जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना हासिल करने का वाहिद जरिया है वो नबियों में रहमत न कब पाने वाला वो नबियों में रहमत न कब पाने वाला मुरादे गरीबों की पल खाने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वो अपने परायों का गम खाने वाला सदर मकान सीरतुल नबी एक वायद रास्ता है जिससे हम जिंदगी में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं जो ना वो इस माशराए का ताल्लुक माशराए जिंदगी से होता है मैं मिट सके मुकम्मल करना चाहती हूँ शेर के साथ मोहम्मद की जिद दिल मुल्फत ना होंगी मोहम्मद की जिद दिल मुल्फत ना होंगी समझ लो कि किस्मत में चला दूँ खुदा सुभान अल्लाह इसके बाद मैं आवाज देता हूँ सिक्स क्लास से मोहम्मद अकमल मोहम्मद असलम मोहम्मद अकमल मोहम्मद असलम वो आए और अपनी नात पेश करें मोहम्मद अकमल अस्सलामु अलैकुम मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना के दवा रहा है मेरा जल रहा है
सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ आठवीं क्लास से मोहम्मद अली खान अख्तर अख्तरुल्ला खान, मोहम्मद अली खान अख्तरुल्ला खान वाय और अपनी नात पेश। मोहम्मद अली अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होंगी, हसन के होठों पे जब नाते नबी होंगी, वो बकर उमर होंगे हसनैन के नाना की, क्या बदम गली होगी दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। आगा है कमर लेकिन अज़हाब सितारे अज़हाब सितारे हैं, उस चांद की हर जानिब तारों की लड़ी होंगी। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होंगी जब वादी ताइफ में अर्शों पे फरिश्तों के दिल पर निगमी होंगी। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होंगी जब ओहदों बदर वाले आका पे हुए खुश खबरी फिर उनको जन्नत की मिली होंगी। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होंगी, आका की मदीने में आमद थी जब मुसलमान, हर दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होंगी। उस वक्त तो हलीमा का हमदर न कोई होगा, लेकर मेरे आका को जिस वक्त चली होंगी। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसके बाद मैं आवाज दूंगा सेवन क्लास से उम्मे अम्मारा मोहम्मद आसिफ, उम्मे अम्मारा मोहम्मद आसिफ वाए और अपनी तकरीर पेश करें। उम्मे अम्मारा लेकिन डूबा डूबा सा अखबार पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े
सुभान अल्लाह, बच्चे ने राहत इंदौरी के चंद शेर चंद अशार इसमें कहे कि जमजम कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकती, ए नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकती, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकती, हम अगर हम हक अदा कर ही नहीं सकते। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ सातवीं क्लास से जोया फातिमा एहसानुल्लाह खान, जोया फातिमा एहसानुल्लाह खान वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। जोया फातिमा, फाउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, जनाबे सदर, असातिज़े इकराम, मौजूद सामाई और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बच्चे हिजरत थी, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए दरबे याकूब में जिनका फसाना था। हाजिर निकराम, यकीन मानिए हजरत इकरामी, मुझे मौजू मिला तो दिमाग बाग उठा, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का खून रवा दवा हो गया, क्योंकि हम आज बात करेंगे सीरतुल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाजिर इकराम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पे जो एहसानात में शुमार है, हमारी जिंदगी का लम्हा के संबंध है, सीरतुल नबी का तस्किरा करें तो ताइफ की बात याद आती है, जहां तबलीग इस्लाम करते करते आपको लौटा कर दिया गया, मगर मौसी इंसानियत को देखे फिर भी आपने दुआ की, रहमतुल आलमीन को देखे जो लोग हकीकत के दर्द में थे, फतह मक्का के बाद आपने सबको माफ कर दिया, मक्का की गली में माफी का ऐलान कर दिया, ये वही लोग थे जो सहाबा के साथ 3 साल तक छपे लोग तली महसूर रखा, तो आपके चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह उन्हों की शान के तुम्हें दार थे, फिर भी आप सबर करते रहे और तब आपको माफ कर दिया। हुजूर आए तो अंधेरों से निकल कर उजाले में आ गई दुनिया, हुजूर आए तो अंधेरों से निकल कर उजाले में आ गई दुनिया, सोए जहनों से जंग तरफ मुझे जहन पर नूर आ गया। आखिर में अल्लाह ताला की दुआ है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन व मा अलैना इल्ला बलाग मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी बीच चाय का दौर, इस शायर ने क्या खूब कहा है कि तमाम सिसकियों की हाय लाया हूं, तमाम सिसकियों की हाय लाया हूं, अहले गम बैठो मैं चाय लाया। तो इसके बाद मैं आवाज दूंगा आठवीं क्लास से सैयद हाशिम सैयद अरशद को, वो आए और अपनी नात पेश करें। सैयद हाशिम सैयद अरशद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात भर जाग कर हम सभी के लिए आप रोते थे, हर उम्मती के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए आप रोते थे, हर उम्मती के लिए, हशर के रोज भी आप होंगे वहाँ, हशर के रोज भी आप होंगे वहाँ, हर गुनहगार की पैरवी के लिए, हर गुनहगार की पैरवी के लिए आप रोते थे, हर उम्मती के लिए, अपने काम आए सुन्नत ही सरकार की, काम आए सुन्नत ही सरकार की, अपने कब्र में हर घड़ी रोशनी के लिए, कब्र में हर घड़ी रोशनी के लिए आप रोते थे, हर उम्मती के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए।
अपने आका के नक्श कदम पे चले, अपने आका के नक्श कदम पे चले, हर जरूरी जिंदगी के लिए, हर जरूरी जिंदगी के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, पुस्तक की चाय पहुंच चुकी है, मुझे ऐसा लगा शायद मैं अहले हक में ना शामिल हूं। मिल्पा चाय पी ले। मोहम्मद अफजल की तरफ से अकमल को 50 रुपए का इनाम आया, यूनुस खान की तरफ से अली को 200 रुपए का इनाम आया, वसीम भाई की तरफ से अली को 50 रुपए का इनाम, वसीम भाई की तरफ से सभी बच्चों को 200 रुपए का इनाम, यूनुस खान की तरफ से जोया को 200 रुपए का इनाम, जोया को 50 रुपए का इनाम। जज़ाकअल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ 8वीं क्लास से समीर खान आरिफ खान, वो आए और अपने नाम पेश करें। समीर खान आरिफ खान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जिसके लिए मैं मिले तो नैन सजी है, फिर दो से बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिम मक्की, वो हाशिम मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी है, अल्लाह का फरमान आलम नशरह लक सदरक, मनसूब है जिससे वरफ़ना लक ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। मुहम्मद व मुहम्मद यही खत्म रसूल है, मददूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर सारे दमा नेकी लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन व मुद्दसिर ताहा, क्या क्या नए अल्फाज से मौला ने पुकारा, क्या शान है उसकी, क्या शान है उसकी के जो उम्मील कभी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो जात के जो मुजहर औलाद हिमा है, जो साहब रफ़रफ जब मेराज हुआ है, असरार इमामत, असरार इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सदक अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों से फिर से एक बार मैं खामोशी बनाए रखने का इल्तिमास करता हूँ, और आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बखील है वो शख्स जो मेरा नाम आए और दुरूद ना पढ़े, तो हम से कहीं बैत भी ना हो जाए। बच्चा नाद पढ़ रहे हैं, तकरीर पढ़ रहे हैं, और हम बातें अगर कर रहे हैं तो हम बैत भी में शुमार किए जाए। इसलिए बराए करम मैं आपसे कहूँगा कि जब भी हमारे नाम का नाम नामी आए तो आप दुरूद का नजराना पेश करें। मैं पीछे जो बच्चे मौजूद हैं इनसे भी इस्तेमाल करूंगा कि वो सामने आ जाए। आपकी शोर का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है,
असातिज़ा इकराम से गुजारिश करूंगा कि वो नजर सानी कीजिए। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ अनम फिरदौस आरिफ अहमद खान आठवीं क्लास से, अनम फिरदौस आरिफ अहमद खान वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अनम फिरदौस लगत का नाम की रसूलुल्लाह इब्सतन हसना काबिल एहतराम सदर जलसा मेहमान असातिज़ा इकराम और सामाईन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आलम में बहुत सारी चीज़ों को पैदा किया और उनमें सबसे अफजल अशरफ़ुल मखलूक हज़रत इंसान को बनाया और इंसानों में सबसे अफजल अशरफ़ अम्बिया इकराम को बनाया और अम्बिया इकराम में सबसे अफजल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप तमाम इंसानियत के लिए रहनुमा थे, आपकी जिंदगी रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए जाबता हयात है। कई मुफरिकीन के मुताबिक आप जैसी सबसे दुनिया में ना आई ना आएंगी। एक ईसाई राइटर माइकल एचार्ड जिन्होंने तकरीबन 25 सालों तक इस्लामी तालीमात पर तहकीक की कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जिसको बुनियाद बनाकर नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कशी हो, लेकिन इस नामरूम कोई कुत्ता भी ऐसा ना मिला जिसने मजबूर उसकी लिखी हुई किताब सौ शख्सियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखना पड़ा। सामाई हमारा कितने खुश नसीब है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मध्य पैदा हुए। मातरम अज़हार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अखलाक की कहां तक की तारीफ बयान की जाए। हजरत आयशा फरमाती है कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक का एक मजमुआ है जो हमारे लिए राय हिदायत और राय निजात भी है। अल्लाह हमें सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या क्या दुनिया से साबे मार गए, क्या क्या दुनिया से साबे मार गए, न दौलत साथ गई न फाल गए, पहुँचा तो वह तक ना आए सब लोग, पहुँचा तो वह तक ना आए सब लोग, हमरा घर गए तो हमार गए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ अतिबा परवीन इरफानुद्दीन खान आठवीं क्लास से, अतिबा परवीन इरफानुद्दीन खान वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अतिबा परवीन फ़ौज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सर मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे मकतब साथियों अस्सलाम वालेकुम। यूं मुस्कुराए चांद की कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए चांद की कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशाई से गुलिस्ता बना दिया। आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला उसका उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी एक बेहतरीन उस्वा नमूना है। कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे उसकी मदद सराय किस तरह करे। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए मबूस फरमाए, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भविष्य 1,24,000 नबी भेजे और यह सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहि सलाम से शुरू हुआ और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ। हर नबी की जिंदगी आम इंसानों की तरह बेहतरीन नमूना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे। अब कयामत तक के लिए इनकी मुबारक जिंदगी हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद जरिया है। ओ नबियों मेरा अहमद लकब पाने वाला, ओ नबियों मेरा अहमद लकब पाने वाला, मुराद गरीबों की बल आने वाला, मोहब्बत गरीबों के काम आने वाला, मोहब्बत गरीबों के काम आने वाला, वो अपने पराए के गम खाने वाला। सदरे जीवकार सैयदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद आता है जिनसे हम जिंदगी के तमाम शोबे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया के हक में बास रहमत रसूल की, दुनिया के हक में बास रहमत रसूल की, बेकस के बेनबों की चाहत रसूल की, इनसे मिली है रोशनी हमको नूर हिदायत की, इनसे मिली है रोशनी हमको नूर हिदायत की, जुल्मत के खजाने में नूर हिदायत रसूल की। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद मैं आवाज दूंगा 9 क्लास से तहमिश हकीक खान, तहमिश हकीक खान वाए और अपनी नात पेश करें। तहमिश अस्सलाम वालेकुम। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो
वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलग नशरा पलक सदर मनसूब है जिसे वो रफा लाला का जिक्र। अल्लाह का फरमान अलग नशरा पलक सदर मनसूब है जिसे वो रफा लाला का जिक्र। जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरबी है वही वाली अकुल है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरबी है वही वाली अकुल है। उस पर मलीहा नाज सरदार खान, मलीहा नाज सरदार खान वाए और अपनी नाद पेश करें। मलीहा नाज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नबी नबी या नबी 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 या नबी 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 का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से नबी का लब पर जो जिक्र है।
का। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। जज़ाकअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत तरन्नुम में नाच समात करवा रहे थे आप लोग मलिहा से। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ गुलशनी शकील से एक और फूल को, जिसका नाम है मोहम्मद अरबाज मोहम्मद अफजल, जो छठी क्लास से है। मोहम्मद अरबाज मोहम्मद अफजल वो आए और अपनी नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आके तरसती है यार रब, मुझको पागे मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। लेके तलवारी घर से, लेके तलवारी फारूक घर से, कत्ल करने चले थे नबी को, पास पहुँचे तुकी अर्ज रोकर, पास पहुँचे तुकी अर्ज रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाले हबशी, मैं ना छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं ना छोड़ूंगा दामन नबी का, बेहया चाहे जितनी सजा दे, मैं आके तरसती आया रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ दसवीं क्लास से माहिया तंजील सैयद गयासुद्दीन। माहिया तंजील सैयद गयासुद्दीन वो आए और अपनी नात पेश करें। माहिया तंजील। अस्सलामु अलैकुम। बागे आलम में आरब ये कौन आ गया, बागे आलम किसकी आमद का दुनिया में डंका बजा, हो गया कौन अंधेरों में जलवा नुमा, हर तरफ से जो ये आ रही है सदा, मुस्तफा हर तरफ आमद आमद
शीश इकबाल साहब की तरफ से सभी बच्चों को 500 रुपए का इनाम है। वसीम भाई की तरफ से तहमीश को 50 रुपए का इनाम आया है और सैयद फयाज जमदार साहब ग्वालियर की तरफ से 500 रुपए सभी बच्चों को इनाम है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपके जान में माल में बरकत अता फरमाए। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ 12 क्लास से खाशिया गोहर मोहम्मद अशफाक सर। आशिया गोहर मोहम्मद अशफाक सर वाए और अपनी नात पेश करें। आशिया गोहर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो शहरे मुहब्बत जहां मुस्तफा वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंसलाने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे इजाजत अगर दो तो जाने शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बता सुभानअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात पेश थी और मदीने की बात की है तो किसी शायर ने कहा है कि जिनकी हसरत है वो खुल का मंज़र देखे, जिनकी हसरत है कि वो खुल का मंज़र देखे, शहर तैबा में चले रोज़े सरवर देखे। बुए अथर से मुअत्तर है मेरे आका की, बुए अथर से मुअत्तर है मेरे आका की, बाग तैबा की पहाड़ों का मुकद्दर देखे। तो इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ 7वीं क्लास से नमरा फिरदौस
सादिक अहमद खान को कि वो आए और अपनी नात पेश करे। नमरा फिरदौस सादिक अहमद खान सातवीं क्लास नात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला, सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला, काली कमली वाला आका, काली कमली वाला आका, शहरे मदीने वाला, सब नबियों से ये जो बाहर से हमारे मेहमान आ रहे हैं इन्हें इज्जत और मोहब्बत के साथ अंदर लाए और इनको जगह दीजिए। अगर कहीं हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं तो बराए करम वोट जाए और इनको जगह दीजिए। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ गुलशन शकील के गुलदस्ते से एक और फूल को जिसका नाम है सैयद उजैर सैयद यूसुफ। सैयद उजैर सैयद यूसुफ ये आए छठी क्लास से और आए और अपनी तकरीर पेश करें। सैयद उजैर। जनाब सर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और अजीज सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब्बे गुशाई करने का मौका मिला है उसका उनवान है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सर, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदर के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से आसमान तक की खला का औराक बना दिया जाए। ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएगा, समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक की खला पूर हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक कभी मुकम्मल ना हो पाएंगी। सहारा दिया जिसके नक्शे कदम ने, सहारा दिया जिसके नक्शे कदम ने, इसी की मोहब्बत इसी के कारण में, इसी ने हमको उजाले में डाला, इसी ने हमको उजाले में डाला, इसी से इस्लाम का बोलबाला। जनाब सदर, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, कलमा गो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गर्मी हर लिहाज से मरकज महवर है। ईमान एतिकाद का मनबा है। ये जमीन ही आसमानी दरकैन मशरकैन मगरिबैन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवे दी थी। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग गौर कर रहे होंगे मासूम बच्चे पसियो बलिए उर्दू के अंदर तकरीर कर रहे हैं और याद करके कर रहे हैं। मुबारकबाद है वो असातिज़ा जिन्होंने इन पर मेहनत की, मुबारकबाद है वो वालिदैन जिन्होंने इनकी तरबियत की। तनवीर साहब। जनाब इकरार हुसैन आजाद साहब जो जज है इनकी तरफ से पहली क्लास के बच्चों के लिए 1000 रुपये का इनाम आया और दोनों नासिब मिसबाउद्दीन और हस्मतुल्ला ये दोनों को 100-100 रुपये का इनाम इकरार हुसैन आजाद की तरफ से। रूहुल अमीन की तरफ से नमरा को 50 रुपये का, वसीम भाई की तरफ से नमरा को 50 रुपये का इनाम आया।
जजाक अल्लाह सर, आपकी मोहब्बतें इस तरह ही बरकरार रखें। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ सातवीं क्लास से मोहम्मद साद मोहम्मद जावेद हयात, मोहम्मद साद मोहम्मद जावेद हयात, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद साद, माफ कीजिए, नाथ है सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, वो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, खूबसूरत आवाज में पेश की बच्चे ने ना। इसके बाद मैं आठवीं क्लास से अब्दुल रहमान इब्राहिम खान, इनको आवाज देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अब्दुल रहमान इब्राहिम खान, आठवीं क्लास। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معراج کا موضوع ہے سیرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رسول کا نہیں سکتے زبان سے توفیق جب تک نہ ملے آسمان سے جناب صد اور معزز سامعین السلام علیکم میں ان کی سیرت کیا بیان کروں گا جن کے بارے میں قدرت خود کہہ رہی ہے کہ تیرے افکار میں مہیت ڈلتی ہے تیرے کردار کے ساتھ میری رضا چلتی ہے تیرے نقصان میں شمع ادھر جلتی ہے میرے تحریر کے ساتھ تی تقدیر ہے میرے قرآن کے ساتھ تی تفسیر ہے تو مجھ سے الگ نہیں میں تجھ سے جدا نہیں تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں तू ना होता तो खुदाई का राज अशकर ना होता मुसव्विर होता शहकार ना होता हुस्न होता परिस्तार ना होता और यूसुफ होता तो खरीदार ना होता तुम आ गए तो इंसानियत को करार आ गया रहमत को गुनाह पे प्यार आ गया चुनांचा खतरा बहुत सख्त है आपके अदबी का ले साल में आयिस्ता के दरबार नबी है उनकी सीरत बयान करना किसी एक इंसान का उसका काम नहीं उनकी सीरत निगाहें में कुरान ताला ने वो कुरान लिख दिया ये दुनिया तो तारीख थी बड़ा दुनिया इसे की का दौर दौरा था इंसान बात बात पर लड़ते थे औरतों के साथ जानवर से बदतर सुलूक किया जाता था गुलामी थी बदअमनी थी जुल्म था ना इंसाफी थी कत्ल थे लड़ाई थी फसाद था जागी रही पर शैतान राज कर रहा था उस वक्त आका इनाम था दो आलम के एक साथ था खत्म हो
किया कि वहाँ आसमान के सरहदों को छू रही है, तो इसकी तश्कील सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और अगर इंसान ने खाना की कुवत को तश्कील करना सीख लिया तो इसका हुक्म आमना के लाल ने दिया था। आज अगर दुनिया कोई अंध की बात करता है तो ये बात मेरे सरकार ने की है। आज अगर दुनिया में कोई सलामती की बात करता है तो ये बात मेरे मौला से सीखी है। वो अमीन और मुदीर और बशीर और हलीम और कलीम और सलीम और मिसाल और कमाल और अशा अशा तेरा तेजुल जलाल। अभी मिट्टी न खनती थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्मे अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। काफी दाना नीलम रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीरत पर एक बेहतरीन तकरीर नवाज देवबंदी के चंद मिसरों की याद कहानी कराते हैं कि अस्सलाम 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 शाह जीशान को, शाह कुरान को, जुज़्वे ईमान को, रब के मेहमान को, मेरे हक के दिलदार को, शाह अबरार को, मेरे सरदार को, सबके गमख्वार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। इसी के साथ मैं आवाज देता हूँ सातवीं क्लास से उनैसा महक मोहम्मद जहीनुद्दीन, उनैसा महक मोहम्मद जहीनुद्दीन वो आए, जहीनुद्दीन वो आए और अपनी नात पेश करें। उनैसा महक। अस्सलाम वालेकुम। कहेगा पिठा मासूम कलिया मुस्कुराती थी हवाई खेल मकरंदी कराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उसी नशे का मेक बिस्तर कितने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से मुबारक होश है हर दो तरह मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लिया मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि दारी मन आबादन आला हबी जिसका है खैरी कुली न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था कोई यूसुफ जैसे मुस्तफा का खुश कैसा था इनको आवाज देता हूं कि वो आए और नात पेश करें। मलिहा अंजुम।
हज पे बुला आँखें में देख लो आग से काबा तेरा या अल्लाह 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 अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज देता हूँ सातवीं क्लास से वासिक अफ़ान मोहम्मद फहीम। वासिक अफ़ान मोहम्मद फहीम वाए और अपनी नात पेश करें। वासिक अफ़ान अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने एक नात पेश करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिस मिला पर पला में इलाही दिया जिस मिला पर पला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ पड़ के सल्ले अला फूल खिलते पड़ पड़ के सल्ले अला तुम कर पे नहीं है ये बात सभा तुम कर पे नहीं है ये बात सभा ऐसी खुशबू चमक के फूलों में कहा ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिस मेरा पल पला में इलाही दिया जिस मेरा पल पला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बात है ऐसी हमने माना कि जन्नत बात है ऐसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं छोड़ कर हम मदीना। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। इसके बाद मैं 10th क्लास से अदीबा अनम मोहम्मद जहीनुद्दीन इनको आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी नात पेश करें। अदीबा अनम मोहम्मद जहीनुद्दीन अस्सलाम वालेकुम। जहाँ में कितने रसूल आए न आया कोई अजीम तुमसा करीम तुमसा करीम तुमसा अलीम तुमसा हलीम तुमसा हजार टूटा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया हजार झूठा जवाब देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया हसीन तुमसा अमीन तुमसा जमील तुमसा वसीम तुमसा हसीन तुमसा अमीन तुमसा जमील तुमसा वसीम तुमसा जहाँ में कितने रसूल आए न आया कोई अजीम तुमसा दिया लोहा करम से अब तक कसम खुदा की कोई न आया दिया लोहा करम से अब तक कसम खुदा की
अदीब तुमसा मुजीब तुमसा हकीब तुमसा करीम तुमसा अदीब तुमसा मुजीब तुमसा हकीब तुमसा करीम तुमसा जहाँ में इतने रसूल आए न आया कोई अजीम तुमसा चिराग ईमान जला के देखा कहीं भी कोई नजर न आया चिराग ईमान जला के देखा कहीं भी कोई नजर न आया हमीद तुमसा रहीद तुमसा मजीद तुमसा तमीम तुमसा हमीद तुमसा रहीद तुमसा मजीद तुमसा तमीम तुमसा जहाँ में इतने रसूल आए न आया कोई अजीम तुमसा सुभान अल्लाह हमारे नबी के हुस्न के बारे में बात हो रही थी तो किसी शायर ने कहा है कि हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कटी थी उंगलियां हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कटी थी उंगलियां खूब चांद कट गया यहां उंगली को देखकर तो इसके बाद मैं आवाज देता हूं 8 क्लास से अबू बकर सादिक साबिरुल्लाह खान वॉय अबू बकर सिद्दीक साबिरुल्लाह खान वॉय और अपनी तकरीर पेश करें अबू बकर सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह वाइडिन के आने की जमाने को जरूरत थी वाइडिन के आने की जमाने को जरूरत थी वाइडिन क़यामत के लिए बेचैन थी करती वाय नगमे दाऊद में जिनका तराना था वाय गिरिये याकूब में जिनका फसाना था वाइडिन की खातिर मुल्क तरफ थी वादिये बधा वाइडिन की खातिर मुल्क तरफ थी वादिये बधा वाइडिन के कदमों के लिए काबा तस्ता था काबिले का माजी मुकर्रमा सामईन आज की मुबारक मजलिस में अपने दिल की धड़कन और अपने जमीर की आवाज को पेश करने की कोशिश करूंगा उम्मीद है कि आप हजरात के अमल की नियत से मेरी गुजारिश पर गौर फरमाए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कहने और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कोई क्या बयान कर सकता है लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा लेकिन मेरे महबूब सीरत का हक अदा न कर सका बस ये एक जुमला काफी है सारे दरख्तों को कलम बना दे जाए सारे जमीनों को वर्क बना दे जाए सारे समंदर सिया की शक्ल में खत्म हो जाएगी लेकिन मेरे महबूब सीरत खत्म नहीं हो सकती लिखी गई मुकम्मल अभी सीरत मोहम्मद लिखी गई मुकम्मल अभी सीरत मोहम्मद कई बार लिखते लिखते हुए खत्म रोशनाई मेरे मोहतरम दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैं महबूब पर कुरान उतारा तो मेरे महबूब का नाम एक दो आयतों में नहीं बल्कि 1400 आयतों में मौजूद है क्योंकि ये आयतें मेरे महबूब सीरत को बयान करते हैं कुरान करीम से पूछते जा कुरान करीम मेरे नबी के खिलाफ बातें सजाएगा और मैंने कुरान करीम से पूछा ए कुरान करीम जरा ये तो बता मेरे नबी के हाथ मुबारक कैसे थे तो कुरान करीम ने कहा हमारा रमाई तो इज़रा मई तो लेकिन अल्लाह रमा मैंने कुरान करीम से पूछा ए कुरान करीम जरा ये तो बता जरा ये तो बता ए कुरान करीम मैं कुरान करीम से पूछा है कुरान करीम जरा ये तो बता मेरा मेराज में कितने करीब होंगे तो कुरान करीम ने कहा सुकान का दखल से नहीं होता मैं कुरान करीम से पूछा है कुरान करीम जरा ये तो बता मैंने भी कहा बचपन कैसे था तो कुरान करीम ने कहा इन कला सही मैं कुरान करीम से पूछा ए कुरान करीम जरा ये तो बता मेरे नबी का सीना कैसा था तो कुरान करीम ने कहा अलम नशरा लका सदरा अल्लाह अकबर हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं हमारे महबूब से बढ़कर कोई महबूब नहीं हमारे नबी वो नबी रिटर्न की तरफ इशारा करे तो टुकड़ हो जाए हमारे नबी वो नबी जो सूरत तू भी सूरत की तरफ इशारा करे वापस लौटा दे जिंदगी बीत गई कलम टूट गए जिंदगी बीत गई कलम टूट गए तेरा औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ मेरे मोहतरम दोस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे महबूब को अल्लाह कहते अरे आदम को सभी उल्ला बनाया उनको अली उल्ला बनाया मूसा को कई उल्ला बनाया ईसा को रूह उल्ला बनाया इब्राहिम को खलील उल्ला बनाया इस्माइल को नबी उल्ला बनाया लेकिन मोहम्मद तो वो नबी जिसको मैं हबीब उल्ला बनाया दुनिया आलम ने अभी अली इंसान हो जिससे ज्यादा अल्लाह ने किसी और की तारीफ नहीं की जिसके चेहरे की कसम कुरान ने खाई जिसके चेहरे को गुहा कहा गया जिसके जुल्फों का वल्लाही लिखा गया जिसके चादर का लम्बा सरा
सूरत बनाए के नूर मुजस्सम, सूरत बनाए के नूर मुजस्सम, सीरत की गवाही में तो कुरान मुबी है, आयत इलाही जबात की शायद, इस जैसी यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं 9 क्लास से महविश अंजुम नईम खान, इनको आवाज देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। महविश अंजुम नईम खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اور ذات تو سب نے پائے ہے پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا یعنی اگر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوائے افروز نہ ہوتے تو یہ جن و بشر یہ شمس و قمر یہ شجر و حجر یہ بہروں پر یہ پھولوں کی مہک چڑیوں کی چہک رفعتوں پستی خوشحالی اور بدبختی زمین کی نرمی سورج کی گرمی دریا کی روانی خزا و بہار جمادات و معدنیات جواہر و معدنیات جنگل کے درندے ہوا کے پرندے غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں فخر موجودات کائنات سید للاول محبوب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے احسانات کو بیان کرنے لگو تو بیان نہ کر پاؤں کائنات میں کوئی ایسا حصہ باقی نہ رہے جس میں موسیقی انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو کہ جن کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اورق بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پور ہو جائے گا لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہوگی زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اصحاب کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا صدر عالی بابر جب میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتہ کھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت و ہدیت کی دعائیں کرتے نظر آتے جب میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں تو مجھے حضرت بی بی آمینہ کے لال عبداللہ کے لب پہ جگر بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے نظر آتے صدر ذی وقار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے آپ معلم تھے آپ رحمت للعالمین تھے میرے نبی تو وہ تھے کہ جن کے لیے کائنات کو دلہن کی طرح سجایا گیا کہ اعلیٰ شان ہے میرے محمد مصطفیٰ کی کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کتاب فطرت کے سرور اکبر جو نام احمد رقم نہ ہوتا جو نقش ہستی عمر نہ سکتی وجود لوحے قلم نہ ہوتا اور زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفلیں ان فخر نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین تقریر کی مہوش نے اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں 9 کلاس سے محمد سفیان محمد ممتاز اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں حفصہ منیرہ محمد زہرا 10 کلاس سے حفصہ منیرہ محمد زرار کی وہ آئے اور اپنی ناک پیش اپنی تقریر پیش کریں حفصہ منیرہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر جلسہ قابل فخر
मेहमान और असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जवा चीज क्या लूहा कलम तेरे हैं। आज इस पुरौनक महफिल में मुझे भी लखुशाई का मौका मैसर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे से अपना तालिबे इनको जो मौजू दिया गया वो है सीरत मोहम्मद। हजरत गिरामी, जब जब दुनिया में जहालत का दौर दौरा हुआ, अल्लाह ने रसूल मबूज फरमाए, उन्हीं में से हमारे नबी एक थे। आप तमाम 1,24,000 अंबिया के सरदार, जिनको अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, वो दौर भी इंसानियत की इंतहाई पस्ती का दौर था। जहालत आम थी, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह ने आपको हिदायत का आफताब और महताब बनाकर भेजा। आपकी शान इतनी आला थी कि इसकी तौसीफ सिवाय खुदा के कोई बयान नहीं कर सकता। मुझे इस मौके पर शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर तरीन लेकिन मुकम्मल नात याद आ रही है। वो सिर्फ 4 मिसरों पर मुश्तमिल है। मलगल उला भी कमाली ही, कशफत दुजा भी जमाली ही, हसुरत जमी व खिसाली ही, सल्लु अलैहि व आलिही। जिसका तर्जमा इस तरह है, वो पहुंचे बुलंदियों पर अपने कमाल के साथ। आपके जमाल से तमाम अंधेरे दूर हो गए। आपकी तमाम आदतें बहुत ही अच्छी है। आप पर और आपकी आले पाक पर लाखों दुरूद और सलाम। हमारा और आपका अकीदा है, हमारे सरदार फखर कौनैन सरवर आलम शाहिशाह बता काजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी वो जात है जिसके सत्य में रब ने कायनात को वजूद बख्शा, इंसानों को इंसानियत मिली और हम जैसे गुनाहगारों को दुनिया में हिदायत और आखिरत में शफ़ात की दौलत मिली। हमारा नबी कौन नबी जिसे 23 साल के दलील अरसे में दुनिया के निजाम को बदल दिया, और सिर्फ बदला ही नहीं जुल्म जहल में फंसी इंसानियत को हिदायत की जावेद रोशनी अता की, कुरान मुकद्दस की शक्ल में खुदा का ज़बान पैगाम दिया, मज़लूमों को हक, कमज़ोरों को सहारा, यहाँ तक कि गालियां देने वालों को दुआएं दी। हमारे नबी वही नबी है जिसकी तारीख में खुदा ने कुरान नाज़िल किया, रसूल ने जिनकी बशारत दी, आसमानी सहीफ़ों ने जिनकी गवाही दी। आपके एक इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। हाँ, जब आप बोलते तो मोती बरसते, लब खोले तो रोशनी चमके, मुस्कुराए तो कलियां खिल उठे, हंसे तो बाहर आ जाए। खुलासा ये कि आपकी तारीफ करने वालों की जबान तो थक सकती है, लिखने वालों के कलम टूट सकते हैं, अल्फाजों के समुद्र खत्म हो सकते हैं, लेकिन हजरत मेरे मोहम्मद की मद्दा खानी का हक अदा नहीं किया जा सकता। ना ये मुमकिन, मगर फिर भी मोहम्मद की सदाकारी सामय आपके इस्तेकामत और पामर्दी का ये आलम कर, जब सरदारा ने कुरैश ने आपके चचा अबू तालिब से आपकी शिकायत की और कहा तुम्हारा भतीजा हमारे बाप दादा के दिल को बदलने चला है, अगर इसकी कोई ख्वाहिश मसलन दौलत या अरब की खूबसूरत दूसरा से शादी तो हम वो पूरा करने के लिए तैयार है, बस वो अपने काम से बाज आ जाए, तो उस वक्त आपने वही तारीख चुने गए। चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चाँद भी लाकर रख दे तब भी मैं इस काम से बाज नहीं आऊंगा, ये थी मेरे नबी की सगावत। हाजिर जलसा, आज जरूरत इस बात की है कि आपकी तालीमात को आप किया जाए, आपकी सुन्नतों को जिंदा किया जाए, आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसका टूटा बोरिया बिछोना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक में झाड़े में सोता था, वो मालिक नहीं बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी पुरजोश अंदाज में तकरीर की हफ्सा मुनीरा ने। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हमारा एक सेशन खत्म हुआ। लाखों दुरूद और सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं आपको बता दूं कि 2 बजे ये प्रोग्राम की अगली नशिस्त शुरू होंगी, आप तमाम जल्द से जल्द तशरीफ लाए। तनवीर सर कुछ कहना है? वसीम भाई की तरफ से अब्दुल रहमान साहब को 50 रुपये आए, सैयद फयाज वायरमैन साहब की तरफ से अब्दुल रहमान को 50 रुपये, शिफा को 100 रुपये और खाशिया को 50 रुपये आए। आपको शार्प 2 बजे यहाँ वापस आना है। 2:10 से अपना प्रोग्राम 2 बजे शुरू हो जाएगा, शार्प 2 बजे। और जूनियर कॉलेज के जो 12वीं के बॉयज हैं साइंस के, वो रुकेंगे यहाँ पर, 11वीं साइंस वाले में चले जाइए और जल्दी से खाना खा के आना है आपको। 2 बजे आइए, 2:10 से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा।
तो भाई वही प्रोग्राम सुनाओ आप तो अच्छा कर बारहवीं के लड़के आर्ट साइंस के लड़के बारहवीं के वो ये रुकेंगे और पहली से चौथी का स्टॉप रफीक सर नजरनाज सबिया शहजाद सर अमर सर वो मिली यहाँ पर आ जाओ पांचवी पहली से चौथी का स्टॉप प्राइमरी का स्टॉप चार दिन कर लो ना उसको बोलना कल खत्म हो गई चार दिन अकीला मैडम पहली से जो थे प्राइमरी के टीचर